हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल जी शर्मा के आह्वान पर पूरे राजस्थान में 1 लाख बच्चों की जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, जो लघु और मध्यम दर्जे के स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के अधिकारों के लिए, उन बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में सुविधाएं मिलती है, उन सुविधाओं को छोटे और लघु और मध्यम दर्जे के स्कूलों के बच्चों को भी वो सुविधाएं मिले। अनिल शर्मा के आह्वान पर, स्कूल शिक्षा परिवार के आह्वान पर नवलगढ़ क्षेत्र के साथ साथ पूरे झुंझुनू जिले के 250 स्कूल संचालक आज विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में इतिहास का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। बाल संसद के माध्यम से जहां 1 लाख बच्चे इकट्ठे होंगे, जहां कम से कम 50 आमंत्रित होंगे, लाखों अभिभावक होंगे, दुनिया के रिकॉर्ड में सबसे बड़ा कार्यक्रम आज विद्याधर नगर स्टेडियम में। सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार जब सरकारी स्कूलों को जो सुविधाएं देती है, प्राइवेट स्कूल के बच्चे क्या पाकिस्तान से आए हैं कि उन प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती। आज 22 प्रकार की छात्रवृत्तियां हैं जो केवल और केवल सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलती है। आज लैपटॉप, कंप्यूटर, आज नाना प्रकार के फैसिलिटीज, ड्रेस, किताबें और तो और ये जो सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट जब और सबको सुविधाएं देती है, चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का बीमा करवाती है, कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो 25 लाख तक का सरकार उसको बीमे की फायदा देता है। सरकार ऐसी सुविधा करे अभिभावक के लिए कि वो अभिभावक अपनी मर्जी है उस स्कूल में पढ़ाए और वो पेमेंट सरकार वहन करे। जब 25 लाख रुपए तक का पेमेंट सरकार मरीज को ठीक करने में देती है तो भाई ये प्राइवेट स्कूल के बच्चे, ये गरीब और पिछड़े क्षेत्र के बच्चों को हम लोग मात्र 5 से लेकर 10-15 हजार रुपए सालाना लेकर जब पढ़ाते हैं, उन बच्चों को यदि वो सुविधा नहीं मिलेगी तो ये सरकार की भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ आज हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के सारे टीचर्स हड़ताल पे हैं। 11 लाख राजस्थान के 11 लाख हमारे कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, भाई जी हैं, ड्राइवर्स हैं, उनके भविष्य के लिए हम लोग चिंतित हैं कि ये सरकारें हमारे ड्राइवर के लिए, हमारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स, केंद्र सरकार सोचे, राज्य सरकार सोचे, हमारे कर्मचारियों को भी बेनिफिट दे, हमारे बच्चों को भी बेनिफिट दे। थैंक यू। मैं कृष्ण कुमार दायमा, जिला प्रभारी स्कूल शिक्षा परिवार झुंझुनू। 7 अक्टूबर को विद्याधर नगर स्टेडियम में स्कूल शिक्षा परिवार का द्वारा एक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाल संसद का आयोजन किया जा रहा है। ये राजस्थानी हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसी संसद होगी जिसमें प्राइवेट स्कूल के 50,000 शिक्षक और 50,000 छात्र सरकार के सामने खड़े होंगे। और सरकार ने जो निजी और सरकारी स्कूलों के जो सुविधाएं हैं उसमें जो अंतर कर रखा है उसके लिए संघर्ष करेंगे। और हमें संविधान के अंदर बच्चों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है, तो सरकार हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ में भेदभाव कैसे कर सकती है। हमें नवलगढ़ से सैकड़ों साथी हैं, वो गाड़ियों से जयपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। स्कूल शिक्षा परिवार